मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। मेरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको शुक्र और सूर्य के बारे में बता रहा हूँ। शुक्र सूर्य धन दौलत ऐशो आराम शिक्षा का सूचक है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में शुक्र सूर्य एक साथ बैठे हैं उनको विद्या पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अच्छा व्यापार करेंगे, अच्छे नौकरी की प्राप्ति होगी, विदेश भ्रमण करेंगे, अच्छी शादी होगी, संतान योग्य होंगे, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहेगी। शुक्र सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं। अगर आपके कुंडली में पंचम दसवां ग्रहवां बारहवां पहले हाउस में शुक्र सूर्य की युक्ति है तो आप मान के चलें कि जीवन में आप पूर्ण सफल रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, देश विदेश में आपके नाम यश कृति फैलेगी, वाहन सुख संसारिक सुख पूर्ण प्राप्त होगा। अगर आप एक साधारण परिवार से भी पैदा हैं तो आपकी ख्याति भारत विश्व लेवल की होगी। आप कर्मठ रहेंगे, प्रेजेंट आप माइंड आप में रहेगा, कार्य करने की क्षमता रहेगी, अच्छे मित्र रहेंगे, अच्छे व्यवहार होंगे और जीवन में यश कृति करके आपके जीवन का समाप्ति होगा। जिसकी याददाश्त सदियों तक बनी रहे। साथ साथ शुक्र सूर्य में एक छोटी सी कमी है कि ऐसे व्यक्ति कमर्शियल नहीं होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं। अगर वो विद्या धन कमाते हैं तो खर्च भी करते हैं। शास्त्रों में दिया हुआ है कि सरस्वती और धन एक साथ नहीं आते हैं, मगर शुक्र सूर्य की युक्ति होने से आपको सरस्वती विद्या भी पूर्ण प्राप्त होगा, धन दौलत भी होगा, सुख शांति का जीवन आप अपने व्यतीत करेंगे। आगे मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको सूर्य और बुध की युक्ति बताऊंगा। धन्यवाद।